हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस हो गया है, उसके बारे में टोटल ट्रूथ मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो को पूरा वॉच करना एंड तक, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी। डोंट वरी, और कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस। अगर आपने उस वीडियो को देखा भी है सो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, और अगर आपने पूरा देखा है तो ही आपने अच्छा काम किया है। अगर आपने सिर्फ स्टार्टिंग के 2 मिनट देख के चले गया तो इट्स नॉट ठीक है, अच्छी नहीं होगी फिर, वो तो फिर आप मिस अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे, ठीक है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो बहुत ही फायदे में रहोगे। सो गाइस, ट्रुथ ऑफ द एग्जाम डेट्स क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे साइकोलॉजिकल ब्रेन के एक्शंस काम करते हैं, और मैंने ऐसा क्यों किया है, वो न्यूज़ मैंने क्यों बनाई, वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा एकदम सीरियसली अच्छे से। तो गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे पढ़ना है, भाई बता दो कैसे पढ़ना है, क्या किया जाए, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, और बहुत सारे मैथ्स के सॉल्व क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, याद नहीं होता है, अभी इतना टाइम हो गया पढ़ के नहीं हुआ है। अब गाइस, इन सभी का सॉल्यूशन मैंने कितनी सारी वीडियोस में दी है। मैंने जुलाई मंथ में बनाया था कि कैसे आप टाइम टेबल बनाओगे, नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दी है। सितंबर मंथ से कैसे स्टडी करोगे वो मैंने बता दिया है, आप किस तरीके से न्यूमेरिकल करोगे मैंने उसकी वीडियो बना दी है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो बना के रखी है, अब और आपको क्या चाहिए, अब बताओ जरा आपको क्या चाहिए। अब ये सब देखने के बाद भी अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, और अगर आपको पढ़ के नहीं हो रहा है, तो यू आर नॉट सीरियस अबाउट स्टडी, आप पढ़ाई के लिए एकदम सीरियस हो ही नहीं। सिंपल सी बात है ये एकदम सिंपल सी बात है कि आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो, तो मेरे पास कौन सा रास्ता बचेगा बताओ। तो अब मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बताने वाला हूँ, टाइम टेबल का सारा ट्रूथ आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक फियरिंग एक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। फियरिंग एक्शन, आई होप कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे उनको समझ भी गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद के एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जब भी क्लास 12th में था, मैं जिस भी क्लासेस में था, ठीक है गाइस, सीरियसली देखो मैं कभी जल्दी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, और 12th स्टैंडर्ड में आई गॉट 85, ठीक है, इतना मुझे मिला था। हालांकि और अगर मैं पीसीएमबी की बात करूँ तो मुझे 92 मिले थे, ठीक है, सिर्फ पीसीएमबी में। इंग्लिश और हिंदी में तुम जानते हो वो थोड़ा मार्क्स डाउन हो जाते हैं, ठीक है, सो इतना तुम्हें याद रखना है। सो नाउ गाइस, अभी मैं तुमको क्लास के बारे में बताता हूँ। मैं था क्लासेस में, और ऐसे ही अगस्त महीने आ गया और मेरे 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ के हुए थे, जबकि एक जिसको टॉप करना है अगस्त मंथ में उसके कम से कम सारे सब्जेक्ट के 5 to 6 चैप्टर्स पढ़ के हो जाने चाहिए। अगर वो बंदा जून से पढ़ाई स्टार्ट कर देता है तो, अगर वो जुलाई से स्टार्ट करता है तो सेप्टेम्बर में हो जाने चाहिए, मतलब 2 महीने के अंदर उसको 6 से 7 चैप्टर उसके पढ़ के होने ही चाहिए। अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम सोच लो कि तुम्हारे 70% भी पार नहीं होंगे, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। तो ऐसा था रियलिटी में, और ये बातें मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता के रखी हैं, और मैं हमेशा चिल्लाता हूँ कि एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, लेकिन अभी मेरी बात आप नहीं मान रहे हो, बहुत सारे बहकावे में पड़े हो कि ऐसा ये करना है वो करना है। अरे है तो बुक का ये भी क्वेश्चंस ना, क्यों नहीं कर लेते हो पहले, करना तो है ही एक दिन, तो कर लो, ठीक है। चलो मैं तो ये करता ही था, बट फिर भी एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब नहीं पढ़ के हो रहा था। मैं भी सारे सर से बोलता, सर रोज गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी यही पूछता कि सर पढ़ के नहीं हो रहा है, पढ़ के नहीं हो रहा है। सर ने एक दिन क्या बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, सर ने बोला हम लोग को सारे कॉलेज के, मतलब जो कॉलेज के टीचर लोग थे, हम लोग कॉलेज की बात कर रहे हैं, क्लासेस में हम बैठे थे, कॉलेज के टीचर थे, कॉलेज के सर आते हैं और सभी बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोगों का एग्जाम्स में भी ऐसा हो सकता है कि इस साल, मतलब जो उनका प्रीलियम है, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा प्रीलियम, तो ऐसा बोला जा सकता है कि हम लोग फटाफट सारा सिलेबस खत्म करेंगे और मे बी हम लोग अक्टूबर महीने की या फिर सेप्टेम्बर में ही हम लोग प्रीलियम ले लेंगे, और सेप्टेम्बर में जो प्रीलियम होगा उसी के बेसिस पे हम लोग सारे जो भी आपका मतलब इंटरनल 30 मार्क्स मिलते हैं उसी को हम उसी मार्क्स के ऊपर देंगे, जिसका अब देखो 30 मार्क्स का ही हम प्रीलियम भी लेने वाले हैं और 30 मार्क्स का ही आपका रियल में पेपर भी होता है प्रैक्टिकल वाला। तो अगर जिसको अच्छे से मिल गया मतलब प्रीलियम में मार्क्स, उतने ही मार्क्स हम लोग इसमें देंगे। अब हम लोगों में एक कॉम्पिटिशन हो गया कि जो जितना प्रीलियम में मार्क्स ला लेगा उसको उतना प्रैक्टिकल में बोर्ड के एग्जाम के मिल जाएगा। अब हम लोग को ये आइडिया नहीं था, हम लोग को ये आइडिया नहीं होता है कि रियल में एक्सटर्नल्स आते हैं, एक्सटर्नल्स प्रैक्टिकल के मार्क्स देते हैं, वो हम लोग से छुपाया गया। तो हम लोग के अंदर एक डर बैठ गया कि सितंबर मंथ के बाद एट द एंड में ये लोग एक प्रीलियम लेंगे, जबकि रियलिटी में प्रीलियम अक्टूबर नवंबर में होता है और 30 मार्क्स का ही प्रीलियम ये लोग शॉर्ट प्रीलियम लेने वाले हैं, और उस प्रीलियम में जितना मार्क्स आएगा उतना ही प्रैक्टिकल में ये लोग देंगे। अब हम लोग ने भी सोचा भाई कॉलेज के ऊपर सब कुछ रहता है, कॉलेज कुछ भी कर सकता है, तो ये सोच के हम लोगों ने गाइस 8-8 चैप्टर का इन्होंने सिलेबस दिया। अब 8 से 9-9 चैप्टर हम लोग को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो डर, वो फियरिंग एक्शन,
ये साइकोलॉजिकल ब्रेन होता है, और डर की वजह से हमने सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। तुम बिलीव नहीं करोगे, हम लोग के 8-9 चैप्टर डर की वजह से हो गए, और जिस कॉलेज में मैं था उस कॉलेज में सभी बच्चे 90 एबो होते हैं, जिनका 10th में 90 आता है वही बच्चों को वो कॉलेज लगती है, जहां भी मैं मुंबई में रहता हूं वहां पे, ठीक है। आप नाम भी सुना होगा तो बेडेकर कॉलेज है, आप सर्च करके देख सकते हो किसी भी वेबसाइट वगैरह में हर जगह, ठीक है। सो ठाणे की एकदम टॉप कॉलेज है, तो वहां पे 90 से नीचे मेरिट लिस्ट में मतलब नंबर लगता नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो 90 एबो चाहिए। तो वहां पे सारे बच्चे पढ़ने वाले थे, सभी को यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उन्होंने ये एक्शन किया। और बिलीव नहीं करोगे गाइस, सितंबर आते आते हम सबके 8-8 चैप्टर सभी सब्जेक्ट के पढ़ के हो गए पीसीएमबी सब। और सितंबर में 8 चैप्टर होना मतलब जानते हो क्या है, कि तुमने 60% बोर्ड में अपने फिक्स कर लिए, 60% तुम्हारे आने ही आने, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी रॉन्ग करके आओगे 60% आएगा ही आएगा, इतना अच्छे से आपने कर लिया। और हमने एग्जाम दिया, हम लोग 25 से 26 आए, और जिस दिन सर आए बोले कि देखो ये होता है फियरिंग एक्शन, और सर ने हमें साइकोलॉजिकल चीज के बारे में बताई। तो मैं भी ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं तुम लोग के लिए, कि ऐसा क्या करूं, क्योंकि मैंने सारी चीजें तो आपको बता के रखी यार, सब मैंने आपको नॉलेज दे के रखा है, कैसे जुलाई से स्टार्ट करना है, नोट्स कैसे बनानी है, सेप्टेंबर से क्या आप करोगे, न्यूमेरिकल किस तरीके से, कौन से ट्रिक्स अपनाओगे, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगे आपके, सब बना के रखा है मैंने। लेकिन अगर आपने देखा है फिर भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मतलब आप में कमी है। तो मेरे को ऐसे ही एक वेबसाइट मिली, मैं वही ढूंढ ही रहा था, बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो चीज हो जाती है, तो मुझे भी एक वेबसाइट मिली, मैंने देखा अरे यार ये तो ठीक है, चलो इसी के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो मैंने उसी की फटाक से एक न्यूज दे दी। और हालांकि अगर आप सोचते हो कि ये फेक न्यूज है, अच्छी बात है, फेक हो भी सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए कि आपको हमेशा मार्च महीना मान के ही पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप उस चीज को ब्लेम करो कि फेक न्यूज, आप उससे थोड़ा सीख लो, और आप थोड़ा अपने अंदर डर पैदा करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? उस डर की वजह से आपने खुद एक चीज फील की होगी कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले, ओएमजी अब कैसे पढ़ेंगे, तो आपके ब्रेन ने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर से आप रिलैक्स हो जाओगे और मुझे ये सब बताना पड़ा, तो ये दिस इज नॉट फेयर। आपको खुद सोचना चाहिए कि मुझे हाँ यस पढ़ना है, और मार्च में ही मेरी एग्जाम होगी, वही सोच के आपको पढ़ना है, फरवरी में एग्जाम ही होगी। और ये मत बोलो कि मेरे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हमने पूरे 60-70% वीडियोस डाल के रखी है, सोच लो जाके आप लोग, इतना परसेंट सिलेबस हमारा हो गया है, हर सब्जेक्ट के 10 चैप्टर से ज्यादा हो चुके हैं। आपके कितने हुए? 10 चैप्टर आपके पढ़ के हो गए? इतना डर रहे हो? पहले 10 चैप्टर तो करके दिखाओ। 10 चैप्टर आपके अगर आपके हो जाते हैं तो फिर आपका सब कुछ हो जाएगा, समझ गया अच्छे से? तो 10 चैप्टर पहले करके दिखाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके उतने नहीं हुए, 2 चैप्टर भी हुए नहीं रहेंगे, अभी ढंग से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप एक डेफिनेशन नहीं बता पाओगे। अगर मैं अभी किसी से कोई भी एक क्वेश्चन ही ऐसे ही पूछ लूं कि चलो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 60% लोग नहीं बता पाओगे। फिर तो काय की पढ़ाई, तो पहले चुपचाप 10 चैप्टर करने की कोशिश करो। ये सब जो मैं दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूं। तुमको क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा न्यूज कौन सी आई है, कैसी न्यूज आई है? तुम्हें लगता नहीं कि मुझे नहीं पता होगा? यस आई नो, बट फिर भी तुमको डर का माहौल बना के तुम्हें पढ़ना है, और यही एक अभी रास्ता है, क्योंकि मैंने सारी चीजें बना के रख दी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैंने सारी चीजें बता के रखी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करोगे, फॉर्मूला याद करो, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर सॉल्व एग्जांपल याद करो, फिर फॉर्मूला याद करो, पूरा ट्रिक बना के रखा अच्छे से। ऐसे केमिस्ट्री भी करना है, मैथ्स के लिए 2-2 ट्रिक बना के रखी है। मैथ्स के लिए क्या करना है, या तो पहले फॉर्मूला याद करो, और या तो फिर पहले डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर फॉर्मूला याद करो। समझ गया? ये सब बता के रखा है, ये थोड़ा ट्रिक मैंने बताया कैसे करना है। अब जाओ उन वीडियो को देखो, अब कितने बार आपको बताऊंगा, आप ही बताओ ना जरा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोग के लिए ही है, और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो तो इट्स नॉट गुड वर्क, ठीक है। सो फिर ये गलत होगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी सीरियस टाइम टेबल बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। फरवरी मंथ में पेपर होगा 18 फरवरी से, यही सोच के चलो, क्योंकि कभी भी हो सकता है। आज न्यूज ऑफिशियल वाली नहीं आई, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आई, क्या पता कल को ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दे, तो क्या करोगे फिर आप? तब फिर बोलोगे फेक न्यूज? तब तो करना पड़ेगा ना। अरे करोगे ही करोगे फिर, तो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये मत बोलो कि हमारे साथ ही ऐसे कांड क्यों होते हैं, तुम्हारे साथ ही हो रहे हैं, इसका मतलब तुमको कुछ बेस्ट करना होगा। तुम ही अच्छा निखरोगे, लेकिन तुम उसको अपनी कमजोरी बना रहे हो, ठीक है। मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, मैंने जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब चाहे उस न्यूज को फेक न्यूज समझो, या जो भी एक प्लानिंग समझो, या फिर जो भी समझना है समझो, क्योंकि मैं कभी फेक न्यूज देने वाला हूं नहीं। जो भी मैं देता हूँ वो सीरियसली देता हूँ और सोच समझ के देता हूँ, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। तो देट वन नॉट ऑफ मतलब फेक न्यूज, बस आपको सोच के चलना है कि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ते हो तो आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलेंगे अगले ऐसी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।